हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटेटी पर में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख बोगस कोई अभिलेख के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना अभिलेख बोगस कोई का अभिलेख है, जो मध्य एशिया अर्थात एशिया माइनर के बोगस कोई नामक स्थान पर स्थित है। इसलिए यहाँ जो अभिलेख मिला है उसे बोगस कोई अभिलेख कहा गया। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख को मितनवी अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण मितनवी शासकों द्वारा किया गया था। इस अभिलेख की खोज 1907 में बिकलर महोदय ने किया था। इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि हित्ती और मितनी राजाओं ने चार वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य को साक्षी मानकर संधि किया था। अर्थात विश्व का जो सबसे पुराना अभिलेख बोगस कोई का जो अभिलेख है, उस पर चार वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगस कोई अभिलेख के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।